वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा न्यू टॉपिक है वायरस। हम वायरस की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पॉइजनस फ्लूड ओआर वेनम ओआर सिक्रीशन के बाद जब भी आ जाए तो ये किसके द्वारा दिया गया था? पाश्चर के द्वारा दिया गया था। टीएमबी का नाम सबसे पहले किसने दिया था? इवानोस्की ने दिया था। इन्होंने और क्या रिपोर्ट किया? वायरस जो होते हैं स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से स्मॉलर कौन होता है? वायरस। और इन्होंने बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर के बारे में बात किया था। बीजरिंग जो थे इन्होंने क्या बोला था? कंटाजियम वीवम फ्लूडियम। किसके बारे में बात किया था? कंटाजियम वीवम फ्लूडम फ्लूड। ये किसके द्वारा दिया गया था? बीजरिंग के द्वारा। और इन्होंने क्या बोला था? लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूड। ठीक। क्रिस्टलाइज टीएमवी फर्स्ट टाइम एंड नोबल प्राइज वॉज अवार्डेड टू हिम। किसको? स्टेनली को। क्रिस्टलाइज टीएमवी के बारे में फर्स्ट टाइम बात किसने किया था? तो स्टेनले। देखिए, ये जो हिस्ट्री है वायरस की, यहाँ से हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो कृपया इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको एकदम याद कर ही डालिएगा। ये याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक, इसमें कुछ समझाने लायक तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वायरस। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वायरस में क्या है? वायरस का करेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए, इसको ध्यान समझिए। हमने अभी तक प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स पढ़ा था, लेकिन वायरस को ना ही हम प्रोकैरियोट्स में रख सकते हैं ना यूकैरियोट्स में, क्योंकि ये एक लिविंग सेल तो है नहीं। जब ये होस्ट से बाहर रहता है तो नॉन लिविंग कंडीशन में चला जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको ए सेलुलर बोलते हैं। मतलब विदाउट, जिसको हम लोग सेल ही ना माने उसको ए सेलुलर बोलते हैं। तो वायरस क्या है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। ये देखिए, किसी होस्ट के अंदर इंट्रा सेलुलर पैरासाइट उसके जीनोम डीएनए के साथ अपना सिक्वेंसिंग करके आगे अपना डेवलपमेंट करता है। वायरस के पास या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। आरएनए मैक्सिमम किसके पास होता है? प्लांट के पास होता है। डीएनए मैक्सिमम किसके पास होता है? एनिमल के पास होता है। वायरस, एक वायरस में बोथ डीएनए और आरएनए कभी प्रेजेंट नहीं हो सकते, या तो आइदर आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, ये बता दिया मैंने। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। जब ये होस्ट से बाहर रहता है तो किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। वायरस कंटेन न्यूक्लिक एसिड, जानते ही हैं वायरस न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए आरएनए। वायरस कंटेन न्यूक्लिक एसिड सो दे आर कैपेबल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बोल क्या रहा है कि वायरस के पास क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि किसका फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबल होता है? प्रोटीन का। और प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? राइबोसोम से। किसके राइबोसोम? वायरस के पास। तो वायरस तो सेल है ही नहीं, तो वायरस के पास राइबोसोम होगा नहीं। वायरस इतना चतुर होता है कि ये होस्ट से इस तरीके से सिक्वेंसिंग कर लेता है कि होस्ट के ही राइबोसोम, होस्ट के डीएनए, होस्ट के ही ऑर्गन को यूज करता है अपना डेवलपमेंट करने के लिए। ओके, तो राइबोसोम किसका होगा? होस्ट का होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। साइज देखते हैं हम लोग। टीएमवी का साइज कितना होता है? 300 नैनोमीटर से इंटू 20 नैनोमीटर। शेप, स्फेरिकल शेप किसका किसका होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस का कैसा शेप होता है? स्फेरिकल होता है। एचआईवी का कैसा होता है? एचआईवी तो आप लोग ने बहुत देखा भी होगा कि ऐसे गोले टाइप, जैसे कोरोना वायरस का दिखाता है स्ट्रक्चर, वैसे ही एचआईवी के स्ट्रक्चर होते हैं। उसमें किनारे किनारे से ऐसे वाई जैसे स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, तो स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। रॉड शेप एक मतलब पिलर लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है? जैसे कि एक पिलर खंबा देख रहे हैं, रॉड देख रहे हैं ना, तो उस तरह टीएमवी का होता है। हेलिकल होता है टीएमवी। हेलिकल मतलब ऐसे जैसे स्पाइरल होते हैं वैसे घूम घूम के हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। टेडपोल लाइक कौन होता है? बैक्टीरियोफाज। केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस देखते हैं हम लोग। नंबर वन, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? आपको मैंने बताया आरएनए और डीएनए को ही न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो वायरस में या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या तो आरएनए प्रेजेंट होगा, वो दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं। जनरली प्लांट में जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, मतलब जनरली मतलब मोस्टली प्लांट में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, बट कॉलीफ्लावर में, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जनरली एनिमल वायरस जो होते हैं, नॉर्मली जो मोस्टली एनिमल वायरस चाहे जो होता है, जैसे हम लोग हैं
सब एनिमल ही आते हैं, तो मतलब सब में मैक्सिमम एनिमल्स में डीएनए पाए जाते हैं, वो भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाए जाते हैं, बट इन सम वायरस, कुछ वायरस के केस में ये नहीं पाए जाते हैं। चलिए प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट दूसरा है स्ट्रक्चर हमारा। प्रोटीन कोट क्या है, वायरस की जो आउटर कवरिंग होती है ना वो प्रोटीन कोटेड होती है। अब वो पूरी कंप्लीट फॉर्म को हम लोग कहते हैं कैप्सिड, और उसकी एक सब यूनिट को, छोटी यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सोमेयर। तो देखिए जैसे एक माला ले लेते हैं, पूरा माला क्या हो गया हम लोगों का, कैप्सिड हो गया, और उसमें से एक मोती निकाल दे तो वो कैप्सोमियर हो गया, सब यूनिट, एक छोटी सी इकाई, उसको कैप्सोमियर। तो वायरस का न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो किससे कवर्ड होता है, टोटली आउटर कवरिंग ऑफ वायरस क्या है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन कोटेड होती है, किसकी होती है, कैप्सिड की, और उसका बेसिक सब यूनिट क्या होता है, कैप्सोमियर। सेंट्रल कोर एंड कैप्सिड आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियो कैप्सिड बोलते हैं, ठीक। और देखिए इनवेलप क्या है, वायरस की आउटर कवरिंग मैंने आपको बताया प्रोटीन कोटेड कैप्सिड की बनी होती है, ठीक। लेकिन अगर कैप्सिड के भी ऊपर एक कवरिंग आ जाए, मतलब एडिशनल कवरिंग ऑफ वायरस, इसी को हम लोग कहते हैं इनवेलप। इनवेलप नाम से समझते होंगे, जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं शादी वादी में, पैसे वैसे देते हैं तो इनवेलप देते हैं ना, तो वही कवरिंग, एक्स्ट्रा कवरिंग, एडिशनल कवरिंग जो हो जाए वायरस के कैप्सिड के अलावा, उसे इनवेलप कहते हैं, और ऐसे टाइप के वायरस को इनवेलप्ड वायरस कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, सिमेट्री ऑफ वायरस। सिमेट्री क्या है वायरस की, हेलिकल सिमेट्री, वायरस हेलिकल सिमेट्री, क्यूबिक सिमेट्री, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। चलिए कुछ कॉम्प्लेक्स सिमेट्री का थोड़ा बहुत मैटर कट गया है, मैं बता देता हूँ फिर भी, उसको नोट कर लीजिएगा। हेलिकल सिमेट्री जो है किस में पाई जाती है, टीएमवी में। टीएमवी का फुल फॉर्म क्या है, टोबैको मोजैक वायरस, मम्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज वायरस, ये सब क्या है, हेलिकल सिमेट्री हैं। अब क्यूबिक सिमेट्री किसकी है, हर्प वायरस, पोलियो वायरस, एडिनो वायरस, 5174 बैक्टीरियोफाज, ये सब क्या है, क्यूबिक सिमेट्री हैं। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री किसका है, पॉक्स वायरस एंड मेनी बैक्टीरियोफाजेस, ये सब पॉक्स वायरस हैं। ओके आज का हम यही लेक्चर रोकते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू रखेंगे हम वायरस।